जब भी तुम तैयार हो ना, ये पहली जंप लगाने वाला है। देखो वो प्लेटफॉर्म कितना हिल रहा है, अभी हम सैकड़ों फीट हवा में हैं, जरा इसे देखो। और ये बस उन कई जानलेवा, दर्दनाक और पूरी तरह से पागल कर देने वाले ऑब्स्टिकल कोर्सेज में से पहला है जिनका मैच इस वीडियो में सामना करने वाला है। और अगर मैच आने वाले सभी 6 ऑब्स्टिकल कोर्सेज पूरा करता है तो वो जीतेगा पूरे $800,000। वो भयानक लग रहा है, वो जो कर रहा है वो मैं कभी नहीं कर पाऊंगा। ओह माय गॉड, वो मुझे छू नहीं पा रहा था। हो सकता है वो पहली लेवल भी पूरी ना कर पाए। और दो जंप। और अब ये लास्ट जंप, पता नहीं इतनी दूर कैसे कूदूंगा। और हाँ, मुझे उसे सबसे मुश्किल बना नहीं पड़ा, वहाँ 2 हैमर्स झूल रहे हैं और दूरी भी सबसे ज्यादा सकते हो। पता नहीं मैं कर पाऊंगा। $8,000 डाउन पर है, ये वीडियो छोटी बनने वाली है बॉयज। मुझे भी डर लग रहा है जबकि मैं स्टेबल प्लेटफॉर्म पर हूँ। अभी से सेलिब्रेट मत करो। सबसे आसान कोर्स था, चलो अगले वाले पर चलते हैं। वो इससे मुश्किल नहीं हो सकता। एक्चुअली हाँ, हो सकता है। मैं तो उन सभी 6 ऑब्स्टिकल कोर्सेज को पूरा करना होगा अगर वो उन $8,00,000 को घर ले जाना चाहता है। मैं, क्या तुम तैयार हो? मुझे नहीं पता, और जवाब है नहीं, क्योंकि अभी हम सैकड़ों फीट हवा में नहीं है, हम ऊपर। लेवल 2 में स्वागत है। जैसा कि मैंने पहले कहा था, ये लेवल ज्यादा मुश्किल है। अब आंखों से पट्टी हटा दो। तुम्हारे सामने है वो 2 गेम्स जो हम बचपन में खेला करते थे, बैलेंस बीम और मंकी बार्स। तुम्हें बस दोनों में से एक को चुनकर यहाँ तक पहुँचना है। और हाँ, अपना हार्नेस उतार दो। अगर किसी भी वजह से वो इस ऑब्स्टिकल कोर्स में फेल होता है तो वो 100 फीट नीचे जाकर एक नेट पर गिरेगा, ठीक पहले कोर्स की तरह, और उसके 8,00,000 भी जल जाएंगे। जिमी, मुझे इतना मत डराओ, ये बस दूसरा ही ऑब्स्टिकल कोर्स है। तुम्हें क्या लगता है, पूरे $8,00,000 जीतना आसान होना चाहिए? ठीक है, तो लगता है वो मंकी बास को चुनेगा। उसे नीचे आते देखकर बहुत डर लग रहा है। एक बार उस पहले बार पर झूलने के बाद वो वापस नहीं जा पाएगा। देखते हैं वो मंकी बास से कैसे जाता है। ओह नहीं, 8,00,000 डाउन पर है। 3, नीचे मत देखना, अब वो वापस नहीं जा सकता। 2, Oh my God! Come on back! Oh, मत गिरना, please मत गिरना, please मत गिरना। कर सकते हो। Bro, ये तो पागलपन है। Hey, पता है ये मुश्किल हो सकता है, पर देखो पैसे, वो पैसे यहाँ हैं। चलो आगे बढ़ो। Oh, ये वाला बहुत मुश्किल है। Back, तुम जितना आगे जाओगे ये उतना ही मुश्किल होता जाएगा। Alright. Oh my God! Back, तुम almost आधे तक आ ही गए हो। तुम्हारी पिछली सभी हार के बारे में सोचो, खुद के साथ ऐसा मत करो। मैच अगर तुम गिरते हो तो हमें नया कंटेस्टेंट लाना होगा। Oh my God! ठीक है, बस कुछ ही बचे हैं। वो ठीक है, ये सबसे बड़ा वाला है, सबसे बड़ा है। ओह ओह, वो यहाँ तक आ गया। ओह, ये कमाल का शॉट है। प्लीज गिरना मत, तुम बहुत करीब हो। Oh my God! अगर आप सोच रहे हो कि मेरा ये पागल दोस्त मैट कॉल है, तो ये हमारे पिछले 2 चैलेंज वीडियोस का ही कंटेस्टेंट है। और भले ही ये उन दोनों चैलेंजेस में बुरी तरह हारा था, पर लोगों ने इसे बहुत पसंद किया था, और इसीलिए मैं इसे खुद को साबित करने का और इन पैसों को जीतने का एक आखिरी मौका दे रहा हूँ। स्वागत है लेवल 3 में। अब ये क्या है जिमी? तुम्हारा अब तक का सबसे डरावना सपना। देखो, अब तक इस वीडियो में जितने भी ऑब्स्टिकल कोर्सेज थे उसमें तुम्हारी ताकत को परखा गया, जिसमें तुम बहुत अच्छे हो, पर ये लेवल तुम्हारे दिमाग को परखने वाली है। अब इस लाल बटन को दबा के रखो। ओके। तुम देख सकते हो कि जमीन पर एक पैटर्न बनते हुए जा रहा है। पैटर्न पूरा होने का इंतजार करो। आगे जाने के लिए तुम्हें इस फ्लोर की सिर्फ ग्रीन टाइल्स पर से ही जाना होगा। अब इस बटन को छोड़ दो। तुम्हें ये पैटर्न पूरी तरह से याद करके ही आगे जाना होगा, और तुम्हारे पास ठीक 30 मिनट है, जिसमें तुम्हें ये 40 टाइल्स के रास्ते को याद करना होगा। और अगर तुम गलती से भी किसी रेड स्क्वायर पर कदम रखते हो तो तुम्हारे पैसे धमाके से उड़ा दिए जाएंगे। ये लो एक राइट शीट। ओह माय गॉड, ये तुम्हें उस बॉम्ब से बचाएगी। टाइमर को शुरू करो। अब तुम जाओ। और ये चला, ये बारिश से बहुत ड्रामेटिक बना रही है। ओके, उसका पहला स्टेप। रुको, जाने से पहले
उसकी जरूरत नहीं है, उससे मेरी कोई मदद नहीं होगी। मैंने राइट शील्ड नहीं उठाई थी। मैं तुम वापस नहीं आना चाहता। ब्रो तुम जितनी बार चाहो बटन दबा सकते हो। अगर तुम अपने अगले कदम के बारे में श्योर नहीं हो तो पैसों को मत उड़ाओ। ऑलमोस्ट 5 मिनट पूरे हो चुके हैं। मुझे जरूरत नहीं है। और तुम अब तक शुरू में बंद करो। मैं अब तक तुमने 1 मिनट में बस एक टाइम पूरी की है। ओके थैंक्स गॉड। और 30 से ज्यादा टाइम्स बची हैं। ओके ओके ठीक है चलो। ओके तुम कितने कॉन्फिडेंट हो कि उससे धमाका नहीं होगा? मैं भी नहीं हूं। ओके और तुम फिर भी आगे जाओगे? मैं थोड़ा सा कॉन्फिडेंट हूं। ये सोच ही नहीं पा रहा है। अब 33 मिनट बचे हैं क्योंकि तुम सोच रहे हो कि वो कदम लेना चाहिए या नहीं। मैं तुम्हें याद दिला दूं कि ये 8 लाख जीतने का आखिरी मौका है। अगर तुम फिर से हार जाते हो तो हम तुम्हें वापस नहीं लाएंगे। आगे जाना होगा या फिर क्या करूं? तुम किसे पूछ रहे हो? मैं यार कुछ मदद तुम चाहते हो मैं तुम्हारी मदद करूं? मेरे पैसे जीतने के लिए खतरा नहीं उठाना चाहता। इस पॉइंट पर मैं कुछ कोर्स में इतनी दूर तक पहुंच चुका था कि हर बार फिर से रास्ता देखने के लिए उसके करीब 6 मिनट वेस्ट हो रहे थे। कई कोशिशों के बाद भी वो पैटर्न का आखिरी छोर भूल ही जाता था। नीचे 3 थे। 1 2 3 4 4 बूम। शायद शायद यही यही ठीक है। मुझे यहाँ से पता नहीं है, यहाँ तक नहीं आया था। अभी 9 मिनट बाकी है, चाहो तो जाकर चेक कर सकते हो। मुझे लगा कि अब तुम हो गए। यहाँ से मैं सिर्फ आगे की ओर ही जा सकता हूँ। ठीक है मुझे लगता है कि मैं बोलो याद है तुम्हें कैसा लगा था जब तुम्हारे थे 7 लाख डॉलर्स और 8 लाख डॉलर्स? हर वक्त उसी के बारे में सोचता हूँ। इसीलिए तुम्हारे भले के लिए तुम्हें एक बार फिर से बटन दबा के देखना चाहिए। पर वो तुम पर वो तुम वापस जा रहे हो? ये मेरा आखिरी बार होगा। हाँ ओके 4 4 राइट 2 4 4 राइट 2। मैक ने अपना बचा हुआ आधा बार 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 पैटर्न को रिपीट करने में बिता दिया। ये उम्मीद करते हुए कि आखिरी बार 7 पर जाने का उसका फैसला गलत नहीं था। पर जब मैक आखिरकार अपनी आखिरी कोशिश करने के लिए कॉन्फिडेंट हुआ ठीक है तब उसे एक बहुत ही टाइट डेडलाइन को फेस करना पड़ा। 4 मिनट से भी कम वक्त बचा है। ओ माय गॉड मैच शायद वक्त आ गया। अब कोई कुछ नहीं बोलेगा बस तुम जाओ। गुड लक टुमारो गाइस। मैं महसूस कर रहा हूँ कि मेरा दिल जोरों से धड़क रहा है। ये बहुत ही इंटेंस है। इसे करने के लिए उसके पास 30 मिनट है। अब 3 मिनट से भी कम बचे हैं। एक गलत कदम और वो फिर से 8 लाख डॉलर हार जाएगा। वो पिछली बार यहीं तक फंस गया था। माय गॉड डूड वो आखिर तक पहुंच रहा है। अभी भी वक्त है, अभी भी वक्त है। अब धमाका होने की चांसेस बहुत ज्यादा है। ठीक है ओह माय गॉड मैच बस 10 सेकंड ही बचे हैं। रुको समझ नहीं आ रहा। नहीं, अगर मैच रेड टाइम पर कदम रख देगा